21वीं सदी में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी क्रांति है सूचनाओं का विस्तार, जिसने बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है। अगर हम सोचें कि 21वीं सदी की चार सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं, तो हमारे सामने ये मुद्दे उभर कर आते हैं। नंबर एक, आपसी एकता का ना होना। लोग धर्म, जाति पाति, क्षेत्रवाद और रंग भेद के आधार पर बटे हुए हैं। कारण यही है कि सभी में एकता यानी बीइंग की कमी है। नंबर दो, तमाम सुख सुविधाओं के बाद भी लोग खुश नहीं हैं। जिस इंसान के पास भौतिक सुखों का अंबार है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। लोगों में चुस्ती फुर्ती और एनर्जी की बड़ी भारी कमी है। नंबर तीन, गरीबी की समस्या 21वीं सदी की एक विकट समस्या है। बेचारा गरीब खाने कमाने से आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। उसमें जागरूकता बोले तो अटेंशन की कमी है। नंबर चार, बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्नता के आने से लोगों के पास टाइम की कमी भी होती जा रही है। चार सबसे बड़ी जरूरत है बीइंग, एनर्जी, अटेंशन और टाइम, यानी BEAT, बीट। बीट के कम होने का कारण है झूठी सूचनाओं का ढेर, जो लोगों को डराता है और अनिश्चितता की स्थिति में रखता है। 21वीं सदी में बीट ही सबसे कीमती संसाधन है और इसकी ही कमी से प्रत्येक इंसान जूझ रहा है। बीट नाम के इस संसाधन को बढ़ाने के लिए हमने बीट इनोवेशन सेंटर की स्थापना की। BIC यानी हमारा उद्देश्य है बीट को बढ़ाकर एक बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य की खोज करना। अपनी इस मंजिल को पाने के लिए हमने 10,000 से भी अधिक पुस्तकों, पौराणिक महाग्रंथों से लेकर मॉडर्न फिलॉसफी का गहन अध्ययन किया। हमने साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र की अनेकों किताबों का अध्ययन किया। हजारों महान पुरुषों के जीवन पर लंबा शोध संपन्न किया। इतनी रिसर्च के बाद ऑल ओवर इंडिया से आए 700 से अधिक प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी खोज में योगदान देने का अवसर दिया। उनमें से 40 सर्वश्रेष्ठ युवाओं ने इस प्रोजेक्ट पर निरंतर अपनी राय दी है। इतनी कोशिशों के बाद भी हम अपनी रिसर्च से खुश नहीं थे। थक हार कर हमारी टीम ने हिमालय की ओर रुख किया और हम खुशहाली समृद्धि की तलाश में भटकते रहे। एक दिन सौभाग्यवश हिमालय में हमारी मुलाकात स्वामी डोलडाल से हुई। स्वामी डोलडाल एक पौराणिक गुरु हैं। इन्होंने अपनी तपस्या के बलबूते पर ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिनसे ये अमर हो गए। 21वीं सदी की समस्याओं से दूर इनका एक परिपूर्ण जीवन है, जिसमें इन्होंने त्याग, तपस्या, प्रसिद्धि, समृद्धि, प्यार, निराशा और आशा जैसी चीजों का व्यापक रूप में अनुभव किया है। इनके साथ हैं लबोटा और एस्ट्रो, जो इनके शिष्य हैं। इन दोनों के जीवन का लक्ष्य स्वामी डोलडाल को फेमस करना है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में स्वामी डोलडाल के नाम का अर्थ है बिग डेटा, एक ऐसा डेटा जो कूड़े को सोना और कोयले को कुंदन बनाने की तकनीक है, क्योंकि स्वामी डोलडाल को इस कार्य का सर्वोत्तम और सबसे लंबा अनुभव है। स्वामी डोलडाल पर हमारी खोज खत्म हो गई, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारी मंजिल हमारे महानायक स्वामी डोलडाल ही है। स्वामी डोलडाल ही 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमने स्वामी डोलडाल का परिचय आधुनिक तकनीक और जनता से कराया। अपने इस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया डोलडाल प्रोजेक्ट। डोलडाल प्रोजेक्ट एक बेहतर जीवन की राह है। बेहतर जीवन से हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं है,
बेहतर जीवन का मतलब है 3B फिलॉसफी। वर्तमान समय के लिए 3B एक बहुत जरूरी और व्यवहारिक सूत्र है, जिसमें कम से कम टाइम में, कम से कम खर्च में और कम से कम प्रयास में सर्वोत्तम मानवता का, संपन्नता का और खुशियों का प्रसार किया जा सकता है। अब बारी आती है कि हम कैसे इस 3B फिलॉसफी को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए हमने दो रास्ते अपनाए, स्टोरीज और सेमिनार। स्वामी डोलडाल की कहानियों में बेहतर जीवन के फॉर्मूले बताए गए हैं और शिक्षण संस्थानों में विजिट करके युवाओं को 3B के विषय में जागरूक भी किया जा रहा है। 3B फिलॉसफी को प्रस्तुत करने में हमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे यूनिकनेस, ब्रांडिंग और डीमोनेटाइजेशन। अपने कंटेंट को यूनिक बनाने के लिए हमने नई कहानियों का सृजन किया है, जिसमें हम 3B से जुड़ा सारा कंटेंट ला रहे हैं। कंटेंट को हमने कम से कम शब्दों और कम से कम टाइम में लाकर सरल करने का प्रयास किया है। इसके अलावा हम अपना कंटेंट व्हाइट बोर्ड और विजुअल फॉर्म में भी ला रहे हैं। ब्रांडिंग के लिए इंटरनेट से लेकर ट्रेडिशनल मीडिया में स्वामी डोलडाल का प्रमोशन किया जा रहा है। 60% ब्रांडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है और 30% ब्रांडिंग इवेंट का आयोजन करके की जा रही है। बाकी 10% ब्रांडिंग के लिए टीवी और न्यूज़पेपर को चुना गया। डीमोनेटाइजेशन के अंतर्गत हमारा उद्देश्य है कि हम डोलडाल प्रोजेक्ट की सारी सर्विसेज लगभग फ्री में उपलब्ध कराएं, जिससे यह साधारण लोगों पर भी प्रभावशाली हो। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने सरकारी अथवा गैर सरकारी तंत्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही साथ हमने डोलडाल प्रोजेक्ट में प्रायोजकों को शामिल किया और उनकी स्वतंत्र भागीदारी भी सुनिश्चित की। हमने आम जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत कम निवेश में सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। बहुत से प्रयत्नों के बाद डोलडाल को एक महानायक के रूप में स्थापित करने में हम सफल रहे। समाज में डोलडाल की 3B फिलॉसफी को फॉलो करने से डोलडाल लहर आएगी। इससे समाज में परिवर्तन की एक बड़ी प्रक्रिया शुरू होगी। सब दुख और दरिद्रता से दूर एक संपन्न और आदर्श जीवन जिएंगे। यह प्रक्रिया उसी तरह पूरी होगी जैसे समय का पहिया पूरी तरह से पलट जाता है और सब कुछ पहले से विपरीत होता चला जाता है। BIC और स्वामी डोलडाल के मिले जुले प्रयासों से स्वस्थ मानवता की स्थापना संभव हो सकेगी। जीवन से हताश निराश लोग 10 गुना बेहतर जीवन जीना सीख जाएंगे। बीट संसाधन जब भरपूर हो जाएगा, तब लोग बींग, एनर्जी, अटेंशन और टाइम की कमी से ऊपर आ पाएंगे। यह परिवर्तन जीवन के सर्वाधिक चर्चित और सार्वभौमिक लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने जैसा ही होगा।